राजकुमार भाटी, देखिए जो नुपुर शर्मा ने बोला उसके उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और उसके समर्थन में भी भारतीय जनता पार्टी या कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, नुपुर ने जो कहा वो गलत था, बेहद गलत था, लेकिन आपके MLC ने जो कहा, आपके वरिष्ठ नेता ने जो कहा वो सही था महादेव के बारे में, उस पर कार्रवाई कब होगी? बिल्कुल गलत था। कोई मोहम्मद साहब के अपमान में कहे तो भी गलत है, कोई महादेव के अपमान में कहे तो भी गलत है। पत्थर फेंकने वालों का समर्थन भी नहीं किया जा सकता, गर्दन काटने की बात करने वालों का भी समर्थन नहीं किया जा सकता, उन्हें जेल में होना चाहिए। लेकिन जो आपने इस शो के शुरू में जो बात कही, हम सालों से ये बात कहते रहे हैं, आपके शो में भी कहते रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, देश सबका है, देश में भाईचारा होना चाहिए, अमन होना चाहिए, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। दरअसल वायु अमेश देवगन ने सरकार की चाटुकारिता में एक डिबेट बुलाया जिसमें ये गुल्लू नुपुर शर्मा के पक्ष रखते हुए विपक्ष द्वारा बोला गया पुराने बातों को खंगालने लगे। वो नुपुर शर्मा को लेके सवाल पूछने की बजाय जनता के सामने पुराने बातों को उठाते हुए हेट स्पीच को बढ़ावा देने लगे, जिससे लोगों में और भी मुश्किलात पैदा हो, ताकि आम जनता ना चाहते हुए भी नुपुर शर्मा के पक्ष में खड़े हो जाए। वही विपक्ष कहां रुकने वालों में से है। विपक्ष के प्रवक्ता अमेश देवगन को लाइन को पकड़ते हुए ये तक दलील देने लगे, बीजेपी हर वक्त लोगों को बांटने का काम करती है, सिर्फ यही तक नहीं रुका, बीजेपी को एक्सपोज करते हुए हर वो बात बोलने लगे जो बीजेपी के नेताओं द्वारा बोला गया मुसलमानों को ले। बीजेपी नेताओं के हर एक बात को जनता के सामने लाया गया जो नफरत फैलाने या उकसाने के लिए बोला गया। आज जिन्हें संविधान याद आ रहा है, आज जिन्हें कानून याद आ रहा है, उस दिन याद क्यों नहीं था जब केंद्र का एक मंत्री दिल्ली में नारे लगवा रहा था गोली मारो, जब दिल्ली में जंतर मंतर पर, जंतर मंतर पर एक धर्म विशेष के खिलाफ गोली मारो, मैं देश के कदारों को क्या करना चाहिए? गोली मारने का अधिकार क्या संविधान देता है, क्या पब्लिक को देता है? वो पब्लिक को उकसा रहे थे और उसकी प्रतिक्रिया में शाहीनबाग में गोली चली, दो लोगों ने गोली चलाई। उस दिन ये लोग कहाँ थे जब JNU के अंदर छात्रों को पीटा जा रहा था हाथों में लोहे की रॉड लेके और उनकी बुरी तरह सिर फोड़ दिए गए, मार दिए गए, आज तक एक अरेस्टिंग नहीं हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वो नारे लगा, अब पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के, आज भारतीय जनता पार्टी मुंह छुपाई क्यों घूम रही है? आज उनके प्रवक्ता क्यों नहीं डिबेट में आ रहे? क्योंकि उन्होंने शर्मनाक काम किया है, पूरी दुनिया में भारतवर्ष का अपमान किया है। 8 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और 9वां वर्ग वो भी है जो खुद को नास्तिक कहते हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते। उन सबकी आस्थाएं सम्माननीय हैं, किसी की भी आस्था को चोट पहुंचाना गलत है, संविधान विरोधी है, गैरकानूनी है। लेकिन यही आस्थाएं हमारी, हमारे हमें वो समय ध्यान क्यों नहीं आती जब इससे भी ज्यादा गंदे नारे जंतर मंतर पर दिल्ली में लगाए जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लगा रहे थे और जब वर्षों से बोलूं क्या मैं उन नारों को भी नहीं बोल सकता। ये यही तक नहीं रुका, अमेश देवगन दर्शक के नाम पे डिबेटों में कुछ चुनिंदे हुए अंधवक्ताओं को बिठाया जो सरकार के विपक्ष में बोलने वालों को देशद्रोहिता कह देते हैं। उसी बात का सामना करते हुए विपक्ष के प्रवक्ता हर वो बात को दोहराने लगे जिससे डिबेटों में बैठा हुआ अंधवक्ताओं को उनके असली औकात का पता चल गया। माने RSS वाले देश स्वाधीन के समय जो ब्रिटिश के साथ दिए थे उनके पर्दा तक फाश कर दिए, जिससे उनके असली देशभक्त होने का ख्वाब टूट गया। ज्यादा देशभक्त हो क्या? तू अपने बात को रख रहे हैं, खून दिया हमें इस देश के लिए, धमका के धमका के रहे हो, तुमने गद्दारी की हमेशा, तुम अंग्रेजों के साथ रहे हो, तुमने क्या गद्दारी की? भाटी सर ने कहा है कि उन्होंने, उनके बाप दादाओं ने खून दिया इस देश के लिए, क्या हमारे बाप दादाओं ने इस देश के लिए खून नहीं दिया? और आज भी हम उस स्थिति में खड़े हैं कि यदि देश के साथ कोई गद्दारी होती है तो हम सब मिलकर खून देंगे। जो बहन जी ने कहा, जो बाप दादा थे वो हमारे आपके साझा थे, अलग नहीं थे, हमारे बाप दादाओं ने भी आपके निर दिया, सब देशभक्त हैं। मुझे गुस्सा इस बात पर है, भाई साहब बार बार व्यंग कर रहे थे कि हम तो देशद्रोही हैं। मेरे सगे बाबा, सुनिए, मेरे सगे बाबा 1857 अब फिर चिल्ला रहे हैं। यार आप RSS के आदमी हो क्या? आपको एक खराब आदत क्यों है? सुन लो, आपने सवाल किया, आप अपनी बात करो, मैंने शांतिपूर्वक सुना, नहीं अब जवाब सुन लो। 1857 में मेरे सगे बाबा को फांसी लगी थी बुलंदशहर कालेआम पर, सगे मैं उनकी 5वीं पीढ़ी में। ठीक है, आप अब सुनिए, जब देश का संविधान लागू हुआ, RSS के प्रमुख उस समय थे गुरु गोलवलकर, उन्होंने अखबार में बाकायदा लेख लिखा, गुरु गोलवलकर ने विरोध किया था, हमें संविधान नहीं चाहिए, इस संविधान का विरोध RSS ने किया था और किसी ने नहीं किया।